आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में रोटियां बच जाती हैं और उनको कोई भी खाने के लिए तैयार नहीं होता। सब ये कहते हैं हमें नहीं खानी। और जब हम एक कोई नई डिश बनाएंगे स्वादिष्ट, तो सभी ये कहेंगे कि हम भी खाएंगे। तो वो आज हम बनाने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं बची रोटी का चूरमा। आइए हम बताते हैं इसमें किस किस सामान का यूज होता है। हमने दो ये बची हुई रोटियाँ ली हैं और ये हमने आधी कटोरी बूरा लिया, 4 चम्मच हमने बड़ी घी लिया है देसी घी, ये 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 10-12 काजू, 8-9 बादाम। अब हम इन रोटियों को मोटी मोटी तोड़कर ऐसे तोड़ लेंगे और मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये रोटियाँ हमने मिक्सी में पीस लिए हैं, ये मिक्सी में पीसने के बाद ऐसी हो जानी चाहिए। अब हम चूरमा बनाना शुरू करते हैं। हमने मंदी गैस करके एक पैन रख दिया है और अब इसके अंदर हम 2 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। ये तेल में नहीं बनेगा, आप इसे देसी घी में ही बनाएं, क्योंकि देसी घी का ये अच्छा लगता है, ये तेल वगैरह का नहीं अच्छा लगता चूरमा। हमारा देसी घी गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम बादाम डालते हैं और इनको सुनहरा होने तक भून लेते हैं। अब हम हमारे बादाम सुनहरे हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम अपने काजू भी भून लेते हैं, इनको भी हम अपना सुनहरा कर लेते हैं। हमारे काजू सुनहरे हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। ये जो हमने रोटियों को मिक्सी में चलाया था, इसको भी हम इसी घी के अंदर डालकर भून लेते हैं। गैस अपनी धीमी रखें। हम 2 चम्मच घी इसके अंदर और ऐड कर देते हैं। इसको हम हल्का सा मंदी गैस पे अपना चला के अच्छी तरह से भून लेंगे। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप इसके सामने कोई भी मिठाई होगी तो वो भी भूल जाएंगे, आप सोचेंगे कि रोज बनवा के खाया जाए। गैस आपको अपनी धीमी ही रखनी है, क्योंकि यदि हम गैस तेज रखेंगे तो हमारे चूरमे में स्वाद भी नहीं आएगा और नीचे से जल जाएगा। हम अपनी गैस बंद कर देते हैं और इसका 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इतने हमारी भुनी हुई रोटियां ठंडी होती हैं, इतने हम अपने ड्राई फ्रूट काट लेते हैं। इनको आप बारीक बारीक इस तरह से काट लें, आप चाहें तो दरदरा करके भी मिक्सी में डाल सकते हैं। इस तरह से हमने अपने सारे ड्राई फ्रूट काट लिए हैं। ये रोटियों का चूरा हमारा ठंडा हो चुका है, इसके अंदर हम ये बूरा ऐड कर रहे हैं और ये ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ये इलायची पाउडर। अब इन सबको हम मिक्स कर देते हैं। गैस अपनी चालू ना करें, बंद ही रखें, क्योंकि हमें ठंडा करने के लिए जब हमने छोड़ा था तो गैस बंद करी थी, तो इसलिए हमें गैस जब से जलानी नहीं है, बंद ही रखनी है और बंद में ही हमें ये बूरा ड्राई फ्रूट सब जो मिलाने हैं ये बंद में ही मिलाने हैं। अब हमारा चूरमा रेडी है, तैयार है बिल्कुल। तो आप कभी भी आपके यहाँ रोटियाँ बचें तो आप रोटियों को फेंकें ना, व्यस्त ना करें, इसी तरह से आप चूरमा बना के बच्चों को अपने आप खाएं। तो अब मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को ज्वाइन करना। धन्यवाद, अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ।